नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज मैं 2018 में जो पेपर हुआ था दिल्ली पॉलिटेक्निक का, उसका पेपर और विद जो आंसर है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये जो सर्कल में आप देख रहे हैं, इनके आंसर हैं क्वेश्चनों के, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ये पेपर मैंने RTA के द्वारा और उसके आंसर भी RTA के द्वारा मंगवाया था ताकि मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊँ। ये पूरा ऑफिशियल आंसर है तो इससे आपको कोई गलती करने के चांस भी नहीं होंगे। देखिए, मैं पहले भी 2016 और 2017 का पेपर अपलोड कर चुका हूँ और ये 2018 का पेपर, यानी 3 साल का पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। प्रीवियस 3 ईयर के पेपर आप करके जाइए, 2019 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, ये तीनों पेपर आप कर लेते हैं तो मैं एक चीज़ तो दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तीनों पेपर सॉल्व करके देखा है कि तीनों पेपर आप करते हो तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज वहाँ पर मिल जाएगा। साइंस में, मैथ में और इंग्लिश में मिलाकर 20-25 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिलेगा। तो कम से कम आप इतने क्वेश्चन भी श्योरली आप कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। तो आप पूरा वीडियो देखिए और सारे आंसर को अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। देखिए, सबसे पहले बुकलेट कोड, ये सब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ। बुकलेट नंबर, मार्क्स, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नीचे, तो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, ये मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगा। और शुरुआत में इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन होता है, सबसे लास्ट पेज पर हिंदी में इंस्ट्रक्शन होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। नीचे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ रोल नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ सिग्नेचर होंगे आपके, ये टीचर के सिग्नेचर है जो वहाँ पे होंगे, ये किसी बच्चे का हो। पहले सबसे पहले वो मैथ के 50 क्वेश्चन है तो पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा साइंस के करने के लिए। तो चलिए साइंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइंस में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको पेपर आता है या नहीं आता। तो मैं आपको यही पर्सनल एडवाइस दूंगा, तो पहले पेपर साइंस का करिए। तो देखिए साइंस में क्या आया था और कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में रिपीटेड मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इको। इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 17.2 मीटर। हिंदी में बोलूँ, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 17.2 मीटर की आवश्यकता होती है प्रतिध्वनि के लिए। दूसरा क्वेश्चन, अगर टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या आती है। देखिए, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूले से आएगा 50 हर्ट्ज। यदि हिंदी में आपको बताऊँ, आवर्तकाल दे रखा है आपको 0.2 सेकेंड, तो आवर्ती का फॉर्मूला होता है 1/2 आवर्तकाल। तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपका आएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, सोनार का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होता है। हिंदी में सोनार हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो पराश्रव्य ध्वनियों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करता हूँ, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम डबल। जो वेलोसिटी अगर डबल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला लेगा 1/2 mv². यदि वस्तु का वेग पहले वेग के 2 गुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुनी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्क इज डन। मैक्सिमम वर्क कहाँ होगा जब एंगल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो 0 डिग्री। कार्य अधिकतम होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलो है, उसे 2 मीटर हाइट तक उठाया गया, तो वर्क पूछा है, तो वर्क का फॉर्मूला लगाओगे MgH, उस फॉर्मूले से आपका ये आ जाएगा। 2 किलो द्रव्यमान है, 2 मीटर ऊंचाई है, तो आपसे किया गया कार्य पूछ रहा है, कार्य का फॉर्मूला लगाइए MgH, तो आपका आंसर आएगा 39.20 जूल। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जो कैपिटल जी होती है उसका SI यूनिट पूछ रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्व स्थिरांक यानी कैपिटल जी का ऐसे मात्रक पूछ रहा है, तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक मास है ऑब्जेक्ट का 60 kg, तो उसका मून पर मास क्या होगा। देखिए, मास कभी चेंज नहीं होता, इसलिए मून पर भी जो मास होगा वो 60 kg होगा। एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, तो 60 किलो, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, और भी ऑप्शन है नीचे, तो उसमें से ये वाला ऑप्शन था जो सही था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कौन सा चित्र वस्तु के एक समान गति को प्रदर्शित करता है, तो ये वाला जो फिगर है सीधा बनता है, इसमें एक समान गति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 60 क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो। देखिए, कोई भी सर्कुलर पाथ पे होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अगर कोई कोण कर्ण आर त्रिज्या वाले पृथ्वी पथ पर घूम रहा है, तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होगा, 0 होगा। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, तो VT ग्राफ में एरिया कहाँ होता है, तो एरिया एसिलेशन, जो एरिया अंडर VT ग्राफ के अंदर जो एरिया, वो क्या डिपेंड करता है, तो एसिलेशन डिपेंड करता है। वेग समय ग्राफ में जो एक तरफ V लिखते हैं, एक तरफ T लिखते हैं, तो ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो त्वरण प्रदर्शित करता है।
उसके बाद रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हिंदी में बात करूँ रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट सिद्धांत काम करता है संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का नियम आएगा। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स फोर्स, क्या नहीं चेंज कर सकता, मास, अभी आपके ऊपर बताया था मास कभी चेंज नहीं होता। किसी वस्तु पर आरोपित बल परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वस्तु का क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर बताने थे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मास एक गुड का है 3500 और जो लोडेड है वो 1500 केजी है, इफ द लोड इज मूविंग विद, आपको वेलोसिटी भी दिया हुआ है तो आपसे मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम का आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मा लगाओगे तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला आना चाहिए, m1 u1 + m2 v2 u2 = m1 v1 + m2 v2, उस फॉर्मूले से यूज करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हिंदी बात करो, किसी ठेले लोरी का द्रव्यमान 3500 kg है, उसमें रखे सामान का द्रव्यमान इतना है, अगर ये ठेला 10 m/s वेग से चल रहा है तो उसका संवेग क्या होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये आंसर आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, लेंस में किसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो क्ले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर, सीधा सा क्वेश्चन है, ऐसा मात्रक लेंस की शक्ति का बताना था, तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एनी लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, देखिए स्फेरिकल मिरर से एंगल कभी भी पास होता है उसका एंगल क्या होता है, 0 degree, तो 0 degree इसका आंसर था। यदि प्रकाश किसी गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतन कोण 0 होगा, याद कर लीजिए। रिफ्लेक्टिव, अगर देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मल आएगा, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 1.33, तो व्हाट आपसे पूछा है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मल लगाओगे तो उस फॉर्मूले से आएगा 0.75। जल का अपवर्तनांक हवा के संदर्भ में 1.33 है, तो हवा का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा, तो आंसर आएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 18 cm, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि इसमें फोकल लेंथ आपको 18 cm दिया हुआ है, जो साइज ऑफ इमेज है वो क्वार्टर है, 1/4 है, तो ऑब्जेक्ट सिचुएशन डिस्टेंस हो, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस बैठा है, तो यहाँ फॉर्मूला लेगा आपके लिए, जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे आप मैग्निफिकेशन वगैरह का, तो आप इसका आंसर ये पाओगे। एक उत्तल लेंस को फोकस दूरी 18 m है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 1/4 है, तो वस्तु कितनी दूरी पर है, तो आप मैग्निफिकेशन का आवर्धन का फॉर्मूला लगाओगे तो 54 cm आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज, एक इंसान के जो ह्यूमन आई की जो विजन होती है उसका रेंज क्या है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, तो आंसर था इन्फिनिटी टू 25 cm। मनुष्य की आंख की दृष्टि का सीमा, दृष्टि जो देखने की क्षमता उसकी सीमा क्या है, तो अनंत से 25 cm के बीच होती है। जो स्टार होते हुए ट्विंकल करता है, क्यों ट्विंकल करता है, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तारों का ट्विंटलना किसके कारण होता है, वायुमंडलीय पड़ाव, वायुमंडलीय, देखिए अपवर, यहाँ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है और यहाँ परावर्तन लिखा हुआ है, यहाँ अपवर्तन होना चाहिए था क्योंकि रिफ्रैक्शन को अपवर्तन बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द टू फिनोमेना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो की फॉर्मेशन में दो फिनोमेना क्या था, तो ये था डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंद्रधनुष की रचना की किन दो घटनाओं की वजह से होती है, तो एक प्रकाश के विक्षेपण और अपवर्तन के कारण। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 जनरेटर, इन्वेक का क्वेश्चन है, आपको वी दिया हुआ है 220, आई दिया हुआ है 0.50, तो आपसे पावर पूछा, तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे आप तो आएगा 110 W, पावर का फॉर्मूला लगाओगे तो 110 W आएगा। इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट के इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलते हैं, तो जनरेटर बोलते हैं, जो आपके लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इंड्यूस करंट जनरेट करता है। किस उपकरण का इस्तेमाल विद्युत धारा उत्पादन के लिए क्या होता है, तो जनरेटर का इस्तेमाल। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय जो करंट होता है सर्किट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंक्रीज हैवीली, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, आंसर था ये वाला आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट काइंड ऑफ मिरर शुड बी बेस्ट सुटेड फॉर द सोलर कुकर, सोलर कुकर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, तो कॉनकेव मिरर। देखिए एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो आपको प्लेन मिरर भी मिलेगा और कॉनकेव मिरर मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो कॉनकेव बेस्ट होता है, तो कॉनकेव आएगा आंसर। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के निर्माण में होता है, तो अवतल दर्पण इस्तेमाल होगा, वैसे समतल दर्पण का भी होता है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में अगर आता है तो अवतल दर्पण आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू पानी को गर्म करने के लिए, हम इसका इस्तेमाल कब नहीं कर सकते सोलर वाटर हीटर का, क्लोरिडे में गर्म पानी के लिए सोलर जल तापक का प्रयोग नहीं हो सकता, बादलों भरा हुआ दिन, इस दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ रेटिना, आंसर आएगा रेटिना। आंखों की लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन हो किसकी वजह से होती है, तो दृष्टि पटल के कारण। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग होती है प्रिज्म से और कलर ऑफ बैंड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विघटन जो अलग अलग कलरों में बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई दिया हुआ है 0.5 और टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला लगाइए, क्यू का फॉर्मूला लगाइए, तो आपको आएगा 300 कूलम आंसर आ जाएगा। 10 मिनट इसे सेकंड में बदल लिए तो 600 सेकंड आ जाएगा, और ये आई दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है विद्युत आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला लगाइए, क्यू का फॉर्मूला लगाइए, तो इससे आएगा 300 कूलम आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास एनर्जी, इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक जनरेटर कन्वर्ट क्या करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक जनरेटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो किसके कितने के बराबर होता है, 1.6×10^-19 कूलम के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन के एक आवेश की वैल्यू होती है। द कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज मेड फ्रॉम, जो सोलेनॉइड के कोयल होता है किससे बनता है, तो कॉपर से बनता है। सोलेनॉइड की कुंडली किससे बनती है, सोलेनॉइड की कुंडली किससे बनती है, तो कॉपर के तार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर, जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी होती है, द सेम ऑल द पॉइंट, वो सभी पॉइंटों पर समान रहता है। किसी लंबे सीधे विद्युत धारा के सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आएगा सभी जगह समान रहता है, इक्वल रहता है। वोल्ट मीटर को कैसा लगाया जाता है सर्किट में, तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा समांतर में किया जाता है। ऑस्टेट इज द यूनिट ऑफ, ऑस्टेट किसका यूनिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। द कंपाउंड डेट कैन बी प्योरीफाई बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम किसको प्योरीफाई कर सकते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड को, वह योगिक जिसे उर्ध्वपातन से शुद्ध किया जा सकता है, तो अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जेल टूथपेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, जो टूथपेस्ट होता है वो किसका मिक्सचर होता है, तो लिक्विड इन अ सॉलिड का मिक्सचर होता है। एक जेल टूथपेस्ट मिश्रण होता है किसका, ठोस में द्रव का मिश्रण होता है। नेक्स्ट की बात कर देते हैं, ड्यूरिंग समर के दौरान वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट में हम पानी रखते हैं, बिकॉज वो कूल हो जाता है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना, और किसके कारण कूल हो जाता है, तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवेपोरेशन आंसर आएगा। ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस प्रक्रिया कारण यह ठंडा हो जाता है, तो आंसर आएगा वाष्पन के कारण, इसके कारण ठंडा हो जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन, जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है दो चीजों को मिलकर बनता है, आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन एल्कोहल को मिलाकर बनता है। टिंचर आयोडीन किससे बनता है, तो एल्कोहल और आयोडीन को मिलाकर बनता है। केमिकल टिन का सिंबल बताना, तो टिन का सिंबल होता है SN, टिन का रासायनिक सूत्र होता है SN। द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्विकलाइम, क्विकलाइम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट और थर्ड यानी CA और O, ये दोनों चीज प्रेजेंट होती है क्विकलाइम में, तो ये दोनों चीज आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। बिना बुझा हुआ चूनों में क्या क्या उपस्थित होता है, तो कैल्शियम और एक दूसरा ऑक्सीजन, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर आएगा कैल्शियम और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम,
इनमें से किसमें सबसे ज्यादा एटम है, तो एटम का फॉर्मा लगाओगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये वाला आंसर आएगा। देखिए किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, देखिए परमाणु की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो आपका आंसर ये वाला आएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जो एलिमेंट एक्स है उसके इलेक्ट्रॉन जो छः हैं, न्यूट्रॉन आठ हैं, तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सही है? देखिए अगर इलेक्ट्रॉन आठ छः हैं और न्यूट्रॉन आठ है तो उसका मास जो होगा 14 होगा और नीचे आता है एटॉमिक नंबर 6, तो ये सही है, ये वाला सही है, करेक्ट आंसर है। एक तत्व तो एक्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन नीचे आता है, परमाणु संख्या नीचे आता है, और न्यूट्रॉन आठ है, इन दोनों को प्लस करो तो मास नंबर, मास नंबर में द्रव्यमान संख्या ऊपर आती है, द्रव्यमान संख्या ऊपर है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज थ्री पॉजिटिव चार्ज, तीन पॉजिटिव चार्ज है, मास जो मास नंबर है एटम का 27 है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 14 है, तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आयन में, तो आंसर 10 आएगा, 10 आयन होंगे। हिंदी में बताऊं, एक तत्व के आयन पर तीन धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर 10 आएगा, 10 आयन होंगे। अगला है आइसोटोप क्या होता है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हिंदी में बात करो, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या पाई जाती है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट थे उसके। द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तो N2 आएगा, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला गैस कौन है, तो N2। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ थ्री मेटल विच आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट, आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्री स्टेट में पाया जाता है, लीस्ट रिएक्टिव होगा, फ्री स्टेट में वही पाया जाता है लीस्ट रिएक्टिव हो, तो ये आंसर आएगा। तीन चीज़ें हैं ये जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द गैस विच में कॉज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस इज, इनमें से कौन से गैस कोयले के खान में धमाके के कारण हो सकती है, तो आंसर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोस्ट, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो इस चारों के हिसाब से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन आएगा। इनमें से कौन सा पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, तो आंसर फ्लोरीन आएगा। नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर हमें मिलता है वो रबर ट्री से मिलता है, वो किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का वो पॉलीमर है, बहुलक है। मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट HCl इज, वो कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस करता है, तो आंसर है मैग्नीशियम। धातु जो हाइड्रोजन को तनु HCl से विस्थापित कर देता है वो कौन है, तो आंसर आएगा मैग्नीशियम विस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था वो था यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो आंसर आएगा यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, इनमें से कौन सा हेलोजन फैमिली का सदस्य है, तो क्लोरीन। इनमें से कौन सा हेलोजन फैमिली आता है, तो आंसर आएगा क्लोरीन, क्लोरीन इसका सदस्य है, क्लोरीन फ्लोरीन आपने पढ़ा होगा। द मेटल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट वो किससे बनता है, तो टंगस्टन से बनता है। धातु जो सबसे अधिक बिजली के बल्ब की तंतुओं बनाने इस्तेमाल किया जाता है वो कौन है, वो टंगस्टन है। विनीगर है जो किचन में यूज करता है वो किसका सोल्यूशन है, तो एथेनोइक एसिड का सोल्यूशन है। सिरका जो रसोई घर में इस्तेमाल होता है वो किसका घोल है, तो एथेनोइक एसिड का घोल है। When water is poured over sodium peroxide, अगर peroxide, sodium peroxide के ऊपर पानी डालें तो which colorless gas is produced, कौन सा colorless gas produce होगा, तो dioxygen, dioxygen आंसर आएगा। जब पानी sodium peroxide पर डाला जाता है तो कौन सी रंगीन गैस उत्पादन होता है, तो dioxygen आंसर आएगा। Sodium metal is usually stored under, जो sodium है वो कहाँ store होता है normally, तो kerosene oil के अंदर। Sodium धातु आमतौर पर कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल के अंदर। गैल्वनाइजिंग में आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग होती है, तो जिंक की। जस्ते के अंदर लोहे के ऊपर किसकी परत चली जाती है, तो जिंक के आंसर आएगा। मोस्ट एविडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन। ये पूछ रहा है पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन आएगा। कैलिमाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कैलिमाइन किसका ओर है, तो जिंक का। कैलामाइन में से किसका अयस्क है, तो ये कैलामाइन जो होता है अयस्क होता है, ये जिंक का अयस्क होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सीनाबार मरकरी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड
कलरिंग पिगमेंट हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड कंटेन विच मेटल, हेमोग्लोबिन कौन सा मेटल होता है, तो आयरन। हमारे खून में लाल रंग वाले बने हीमोग्लोबिन कौन सी धातु शामिल है, तो आयरन आंसर आएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्न कार्बनिक यौगिक में से कौन सा ज्यामितीय समावयव का प्रदर्शन करेगा, तो ब्यूटेन 2 का। द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन का सबसे मोस्ट प्योर फॉर्म क्या है, तो रॉस्ट आयरन, पिटवा लोहा बोलते हैं इसको हिंदी में। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो पिटवा लोहा। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो आंसर आएगा कैटिनेशन। जो कैटिनेशन के अंदर बहुत सारे, कैटिनेशन के कारण ही बहुत सारे और लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं कार्बन के। कार्बनिक यौगिक की एक बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार कौन सा गुण है, तो श्रृंखलन, श्रृंखलन के कारण बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, तो प्रोटीन, प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है। विच वन, वायु की बात करते हैं, वायु के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से वायु की बात कर लेते हैं। क्या आया था क्वेश्चन में, विच वन इज मेड ऑफ डेड सेल, कौन सा डेड सेल से बनता है, तो स्केलन कायमा। निम्न से कौन सा मृत कोशिकाओं से बने हैं, तो आंसर आएगा स्केलन कायमा, मृत कोशिकाओं से बने हैं। मड्यूल विद नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम में। गांठ जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, चना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अमोनिया। इनमें से कौन से पौधा घर गैस नहीं है, तो आएगा अमोनिया। कालाजार किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण, कालाजार रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। एम्फीबियन डू नॉट हैव द फॉलोइंग, एम्फीबियन में क्या पाया नहीं पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, बाकी सारी चीजें पाई जाती है। उभयचर में क्या नहीं पाया जाता है, तो श्लेष्मा ग्रंथि नहीं पाई जाती है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज इटालियन, जो इटालियन मधुमक्खी का नाम पूछ रहा है, तो एपिस मेलिफेरा। जिनमें से मधुमक्खी इटालियन प्रजाति कौन है, 9th क्लास की बुक में एपिस मेलिफेरा इटालियन मधुमक्खी का नाम है। एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन आंसर आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पल्मोनरी वेंस में। ऑक्सीकृत रक्त कहाँ पाया जाता है, तो फुफ्फुसीय शिरा में, शिरा के अंदर पाया जाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पत्ती की सतह से पानी का उड़ना क्या कहलाता है, पानी जब सूख जाता है पत्ती में से, उसे बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्सिन क्या है, तो ये प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन क्या होता है, पादप हार्मोन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, बडिंग किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती है। मुकुलन, जो मुकुलन विधि कहाँ पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल पूछा था, तो फोरआर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। समजात अंग के उदाहरण है मनुष्य के हाथ और चिड़िया के पंख, ये समजात अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन रेस्पिरेशन, एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। श्वसन के लिए उत्पादन ऊर्जा कहाँ संचित होती है, एटीपी में। एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हाइबिस्कस। द्विलिंगी पुष्प कौन है, तो गुड़हल आएगा, बाकी सब एकलिंगी है। जो ब्रोमेन कैप्सूल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है, तो ब्रोमेन कैप्सूल किडनी में प्रेजेंट होता है। बोमन संपुट पाया जाता है, तो आंसर आएगा किडनी में, व्रक में, व्रक किडनी में। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की ग्रामर के केवल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था यहाँ पे। आई फिनिश्ड, मैंने कहीं देखा इंग्लिश के क्वेश्चन में कई क्वेश्चन एजिटी आए थे, तो आप इनको देख लें अच्छे से। आई फिनिश्ड माई होमवर्क वाइल माई मदर वॉज कुकिंग द फूड, ये आता। आई प्रेफर मिल्क टू कॉफी, नेक्स्ट आएगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो डिसीजन की करेक्ट स्पेलिंग आपको ये लिखनी थी। द करेक्ट नरेटेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेज, नरेशन बतानी थी आपकी। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, उसकी नरेशन करनी थी, तो ये आंसर था ही टोल्ड मी डैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, तो नरेशन आती है, नरेशन की प्रैक्टिस करके जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड बताना है। द प्रिंसिपल इज गिविंग अवे द प्राइजेस, ये आएगा आपको। करेक्ट वर्ड बताना है, कैन आई गिव यू सम एडवाइस, तो एडवाइस आएगा इसमें। फाइंड द करेक्ट, आपको वर्ड बताना है इसमें। वन ऑफ द, वन और द अदर ऑफ दोज फेलो हैज स्टोलन द कार, तो यहाँ हैज आएगा।
चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट था, ये चुनना था, तो यह था मैनी अ मैन हैज डू सो, तो ये जो वर्ड था वो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी. फिल द करेक्ट, आपको एंटोनिम बताया थी इसमें इम्प्रूवमेंट की, तो आता है डिटोरेशन, ये आंसर था इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट नरेशन बताया थी इसकी, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये इसका आंसर था. 146 क्वेश्चन की बात करें, चूज द राइट ऑप्शन फॉर द सिनोमियस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आपको सिनोमियस बतानी है आर्डिकेट की, तो इरेडिकेट की थी अपरूट, अपरूट इसका आंसर था. 147 की बात करें, पैसिव फॉर्म बताना था सेंटेंस का, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, तो इसका पैसिव फॉर्म बनाना था, तो एक्टिव पैसिव के आप प्रैक्टिस करके जाएं, दिस मूवी हैज ऑलरेडी बीन सीन बाय मी. देखिए आप अगर इस पेपर की अच्छे से तैयारी करते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में एग्जैक्ट आता क्या है. तो रियल आंसर है जो आप बुक ले लेते हो, उसमें रियल आंसर नहीं होते, वो आंसर अपने अकॉर्डिंग देते हैं, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है. सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज बीन टाइटन अप इन ऑल, यहाँ पे आएगा सेंसिटिव एरियाज, सेंसिटिव आंसर था. उसके बाद इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ये आता आंसर. लास्ट क्वेश्चन था ये, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, द लग्जरी कार डेट दे बॉट टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट, तो आंसर आएगा कॉस्टली और ट्रबल सम प्रोसेशन, तो ये आंसर आता इस क्वेश्चन का. अ वाइट एलिफेंट का मतलब आपको ये लिखना था यहाँ पर, ठीक है, ये इसका आंसर था. तो 150 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के, अभी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश की बात करी है. देखिए सबसे आखिरी पेज पे हिंदी में इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मैं आपको कहा था सबसे पहले पेज पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन था, वही इंस्ट्रक्शन सबसे पीछे दिया हुआ है, हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. ये सारे इंस्ट्रक्शन है, ये इतने पेज हैं, आपको कैसे पेपर करना है. चलिए मैथ में देख लेते हैं कि मैथ में क्या आया था, मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ में क्वेश्चन क्या आया था. पहला क्वेश्चन था एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिक रियल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन था ABC, ये क्वेश्चन था तो इसकी वैल्यू पूछी थी. देखिए ए इनवर्स से ए कट जाएगा, बी इनवर्स से बी कटेगा, सी इनवर्स से सी कटेगा, आंसर 1 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दे रखी थी, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू पूछा था. देखिए इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक, आप वहां से देख लीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट एक सेकंड के अंदर, मुझसे 5 सेकंड आपको लगेंगे, 2 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x माइनस ए इसका फैक्टर है तो b क्या होगा, तो x इक्वल टू ए आ जाएगा, यहाँ a पुट कर लीजिए इक्वल टू 0, आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू 0 आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2k माइनस 1, k जो है वो सोल्यूशन है इक्वेशन का, तो k पूछ रहा था, जहाँ जहाँ x है x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, y की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, आपके k की वैल्यू आएगी 2, सॉल्व करके देखिए आप. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है इसका x एक्सिस से, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो y की होती है, तो आंसर 8 आएगा. हाउ मनी लीस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट डिटरमाइन द यूनिक लाइन, यूनिक लाइन कितने पॉइंट डिसाइड करता है, तो 2, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन के 2 इंटीरियर एंगल आपको दिए हुए, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो आपसे पूछा लार्जर एंगल क्या होगा, तो लार्जर एंगल 108, क्योंकि इन दोनों को 2x + 3x = 180, आप x की वैल्यू निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल मीट एट ओ ओपन मिलते हैं, तो एंगल क्या होगा 2 बाइसेक्टर के बीच में, तो आंसर आएगा 135. 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आपसे पूछ रहा है ABC आइसोस्केलस होगा, कब आइसोस्केलस होगा, जब AB बराबर होगा AC के, तो तब ये आइसोस्केलस कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर किसी आयत के समलंग भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ दें तो चतुर्भुज जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो आंसर रोम्बस, समचतुर्भुज बनेगा. जो डायगोनल है समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, डायग्राम बना लीजिए, आमने सामने पैरेलल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल AOD के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो BOC के बराबर होगा, डायग्राम बना लीजिए, वहां से आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वल टू रेडियस, कॉर्ड जो रेडियस के इक्वल है,
तो एंगल सफिशियंट बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल एज कितना का बनेगा, तो 150 का बनेगा। यदि किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा द्वारा वृत्त की लघुतम चापा बनाया गया कोण कितना होगा, तो 150 होगा। इन क्वेश्चनों से आपको एक आइडिया प्राप्त हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे कर जाने हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, किन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका पैरामीटर समान है। यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आप इसे फाइंड करोगे तो आएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो है वो रेशियो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर 48 है तो टोटल सर्फेस एरिया पूछ रहा है, फाइंड करोगे तो 88 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायमीटर दिया हुआ बेस ऑफ क्लोज राइट साइक्लोन सिलेंडर का इक्वल टू हाइट, देन जो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो 3/2πr² ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको दिया हुआ किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या 3r है तो उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, और ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है तो उसका आयतन, आप इसको फॉर्मा लगाइए 1/3πr² करके, तो आपका आंसर आएगा 9πr³ ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि दो गोलों का आयतन ये है तो उनके पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात, इनके पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात फॉर्मा लगाइए 4πr² करके, तो आंसर आएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देख डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ ये फॉर्मूला। यदि किसी वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा एल है और उस आवर्ती बंधन का माध्यम एम है, तो उस वर्ग का अंतराल की उच्चतम सीमा क्या होगी, तो ये फॉर्मूला होता है 2m-1 उच्चतम सीमा निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, अधिकतम एक शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आंसर आएगा 3/4। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, आपको ये दिया हुआ है, तो ऑलवेट ये किससे डिविजल होगा, तो 5 और 13 से, दोनों से डिविजल होगा। आप एन की जगह 1 रखिए, दोनों जगह फिर 2 रखिए, 3 रखिए, तो आपको पता लग जाएगा 5 और 13 दोनों से डिविजल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, अब ये दिया हुआ आप कह रहे ये किससे समाप्त होगा, तो ये हमेशा 1 पे समाप्त होगा, क्योंकि 1 रखोगे आप दोनों जगह तो 6 में 5 1 गया, 2 रखोगे तो ये 36 आ जाएगा, 25 11 आएगा, तो 1 पे ही समाप्त होगा हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपसे कह रहे हैं अल्फा बीटा जो है वो इसके बहुपद के शून्यक हैं और ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए और ई दोनों इक्वल हैं, दोनों का रेशियो भी दिया हुआ इक्वल है, एफ 65 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, आप डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर आप निकालोगे तो 75 आएगा, 75 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा ए अपॉन बी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए सबको कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर ये आएगा, एक कॉस से सबको डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉसेक थीटा दिया हुआ है 2x, कॉट थीटा बराबर 2/x, तो आपसे पूछा 2x²-1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो पहले यहाँ से x² निकाल लीजिए, यहाँ से x² निकाल लीजिए स्क्वायर करके, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 1/2। 27 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 1, 3, 4, 5, 7, 4 का माध्य m है और 3, 2, 2, 4, 3, 3, p का माध्य m-1 है, तो माध्य का q है, तो p+q क्यों होगा, यानी p और q दोनों निकालिए और दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आप दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि साइन अल्फा और कॉस अल्फा द्विघात समीकरण इसके शून्य हैं, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन सब का सम आपको फाइंड करना था एन टर्म तक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, x-y² + y² + x-y² एन टर्म, इन सब का सम निकालना था, तो आप सम का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर ये आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है आपको ये 11th क्लास की बुक में हालांकि क्वेश्चन इस टाइप के, लेकिन आप अगर एडिशनल बुक करोगे ऑडिशन वगैरह तो उसमें आपको मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन। इन दोनों का आपको रेशियो दिया हुआ है 17/16, तो n पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करिए तो आंसर 7 आना चाहिए, n की वैल्यू 7 आएगी। आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हो उनकी मदद लीजिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइए, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको एज इट इज वहाँ मिलेगा, आप देखना कई क्वेश्चन एज इट इज आते हैं और कई क्वेश्चन फिगर बदल देते हैं, डिजिट बदल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। तो आप इन पूरा पेपर कर जाओगे ना तीनों पेपर, तो आपके 20-25 क्वेश्चन इजीली आराम से एक बार में एक सेकंड के अंदर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31, आपको एक फिगर दी हुई है जैसा आप देख पा रहे हो, जिसमें AD 4 है, BD 3 है, CB 12 है, तो आपको cot थीटा पूछ रहा है, आप cot थीटा की वैल्यू निकालिए जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला से, तो आपका आंसर आएगा 12/5, ये आंसर आएगा, ये DT ये आंसर आएगा 12/5। साइन 3 थीटा बराबर दिया हुआ cos A माइनस 30, आप इसको चेंज कीजिए, cos 90 माइनस 3 का cos से cos कैंसिल कीजिए, आप थीटा की वैल्यू निकालिए तो आपकी थीटा आएगी 24, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साइन और कॉस दिया हुआ है तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो या तो आप फॉर्मा लगा दीजिए साइन ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का, सॉल्व करने के बाद आपको जीरो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर फोर की वैल्यू क्या होगी, तो वन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक चीज मैं आपको अच्छी बात बता दूं, जो मैथ के जितने भी आंसर है ना जो आप कर रहे हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इसका आंसर मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आता तो उसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, आप मैथ के सारे क्वेश्चन का आंसर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्ट, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, उसमें पूरा आंसर कर रखा है मैंने, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं समझाया तो नहीं पाऊंगा स्क्रीन पर, तो जो इसके आंसर है वो मैंने पीडीएफ फाइल में बना रखी है, तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड मार लीजिएगा, मैथ के सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात समीकरण, तो आपसे पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ए बी बराबर सी डी आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और बी जो है वो लेने पर समीकरण इसके रूप में लिखी गई है, तो समीकरणों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर 6 आएगा, 6 संख्या होगी। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, जो सम ऑफ एस एन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो 25वां टर्म क्या होगा, तो 76 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13, 13 से भाग होने वाले तीन डिजिट नंबर, तो ये आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक शंकु, अर्धगोला और बेलन एक ही आधार पर स्थित है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 1, 2, 3 आंसर आएगा। सर्कमफ्रेंस एक वृत्त की परिधि दी हुई है, 100 वृत्त के अंतर्निहित एक वर्ग भी है, तो उसकी भुजा की लंबाई बतानी है, तो आपसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50√2/π। 864 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात क्या होगी, तो आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लीस्ट नंबर डिवाइड बाय, वो सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 7 और 9 से डिवाइड, सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 126 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो समीकरण आपको दिए हुए, ये आपको दिया हुआ है, तो ग्राफीय हल द्वारा बनाते हैं तो कैसा आएगा, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र बनेगा आपका। एक आपको एक फिगर आपके सामने दी हुई है, आपसे वैल्यू पूछ रहा था AD की, इसमें आपको AD की वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है, आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर जो यहाँ दिया हुआ है वो आएगा 24.02 आंसर आएगा। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एक्सप्लेन से ही, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे आए। ये वाला अल्फा बीटा जो है वो इसके मूल हैं, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1/α + 1/β बचेगा, आप फॉर्मूला आगे सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर 8 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एच मीटर ऊंची मीनार बनाई है, उसके विपरीत दिशाओं में दो वस्तुओं के अवनमन कोण बनाइए अल्फा बीटा, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं h cot α + cot β, ये आंसर आता है। आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है, तो सीधी सी बात है ट्रायंगल में से इन तीनों पार्ट को माइनस करोगे, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ कोई सा मैच नहीं कर रहा था, तो आंसर नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 848 क्वेश्चन है, दो पासों को एक बार फेंका जाता है 36 केस बनेंगे, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, एक पासे पर 2 का गुणज हो और दूसरे पर 3 का गुणज हो, आप मना के देखिए तो आंसर ऐसा 11 बार होगा, तो 11/36 आएगा। दो पासों को क्रमशः अंकित अंक है, पहले पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, दूसरे पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, पहले इनके आप जो सैंपल वो बना लीजिए, तो अंक इन दोनों का योगफल 5 होना चाहिए, तो आप पहले सैंपल बना लीजिए, 5 योग आप देखोगे एक बार ही आएगा, तो 6 बार आएगा, तो 6/36 कट के 1/6 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक बैग में, एक थैले में 14 गेंद हैं, जिसमें x गेंद सफ़ेद है, गेंद में से 6 सफ़ेद गेंद और डाल दी जाती है, तो सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता 1/2 होगी, x का मान आपसे पूछ रहा है, तो आपसे सॉल्व करोगे तो 4 आएगा।
देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उनके सभी आंसर डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से अपलोड कर लीजिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके सभी दो जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पॉलिटेक्निक संबंधित, आप इस चैनल के माध्यम से मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देकर पूछ सकते हैं। देखिए हर मैसेज का रिप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका अधिक से अधिक रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।